ये कहानी है उस समय की जब थियो फ्रेस्टस नाम के एक दार्शनिक हुआ करते थे। जब उन्होंने एक ऐसे वृक्ष को देखा जिसके बीजों में अरे ये क्या है। अरे चूंकि इसमें मुझे कहीं से भी बीज यूं बाहर है कहीं अंदर नहीं, ढका हुआ तो बिल्कुल नहीं, तो आज से इसका नाम अनावृत बीज होगा। सुना कि नहीं तुम सबने? तो आप आ गए तो शायद अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि इन्हें अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म क्यों कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेकेड सीड्स। अरे मतलब जैसे आम में होता है कवर, उसके अंदर होते हैं बीज, सेब संतरे सब कवर होते हैं ना, ये कवर नहीं होते। देखिए जो, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं टैग आपका बॉटनी टीचर। तो आज हम जिम्नोस्पर्म पर डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। आप आ गए, आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू। आपने हमारा इतना साथ दिया और हम यहाँ तक पहुँच पाए, सो थैंक यू। और मेरी तरफ से भी थैंक यू। आप में से किसी एक जीव वैज्ञानिक का कमेंट आया था कि तो चलिए इसी को हम एक्सटेंड करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक होगा जीव विज्ञान। अरे नहीं, ये तो चैनल का नाम है। ओह, जिम्नोस्पर्म। तो आज का हमारा टॉपिक होगा जिम्नोस्पर्म। इसे हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी, यानी कि नंगा पुंगा बीज। दरअसल इसका यह मतलब होता है कि जिम्नोस्पर्म के जितने बीज होते हैं ना, वे खुले हुए होते हैं, इन पे कोई कवरिंग नहीं होती, ये किसी चीज में बंद नहीं होते, जैसे कि आप आम में देख सकते हैं, या फिर इन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं बीज को कवर किए हुए हैं। पर जिम्नोस्पर्म में ऐसी कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती, और इसका अनावृत बीजी जो नाम है ना, वो ध्यान सुनेगा, सबसे पहले थियोफ्रेस्टस ने 300 BC में दिया था। देखिए ऐसा माना जाता है कि जितने भी जिम्नोस्पर्म है ना, वे सभी पेलियोज़ोइक एरा में आए, पर मीसोजोइक एरा के, ध्यान से सुनेगा, मीसोजोइक एरा के अंतर्गत जुरासिक और क्रिटेशियस जो टाइम पीरियड था ना, उसमें पूरी धरती पर फैल गए थे, और इनका ढेर सारा जीवाश्म हमें मिला है, फॉसिल्स, जिससे इनके बारे में सारी डिटेल्स मिलती है। देखिए अगर हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें, यू कहें वितरण, जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं वे सभी आपको ट्रीज या श्रब के ही रूप में मिलेंगे। कौन से? सदाबहार, जो हमेशा पत्तियों से लदे हुए होंगे, इनकी पत्तियां कभी झड़ती नहीं है, और ये ऐसे जगह पर उगते हैं जहां पर वाटर का सोर्स बारिश के अलावा बर्फ हो, जैसे कि पहाड़। और आपने इसे तो जरूर देखा होगा, ये हर जगह पाए जाते हैं, और इसका नाम है साइकस। देखिए अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडियन माउंटेन्स पे आपको मोस्टली सूगा, जूनिपेरस, एबीज, लार्क, सिप्रस, पाइनस, स्प्रूस, सिडार, साइकस, ये सब मिलेंगे। जरा इधर आइए, तो मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, वो ये कि जो साइकस है, गिंको बिलोवा है या सिकुआ है, इन सभी को हम लिविंग फॉसिल, जीवित जीवाश्म कहते हैं, और वो इसलिए कि इनकी कोई दूसरी प्रजाति जो इनसे रिलेटेड हो और इनसे पुरानी हो नहीं मिली। तो ऐसा माना जाता है कि ये जब से पैदा हुए हैं तब से ये इसी फॉर्म में हैं, पुराने टाइम से, यानी ये बहुत पुराने हैं। देखिए वैसे देखा जाए तो ये मरुद्गत यानी कि जीरोफिटिक भी होते हैं, पर एक बात, ये सदाबहार होंगे और काष्ठीय यानी कि वुडी लकड़ी वाले होंगे। वैसे तो सब बड़े बड़े होते हैं, पर एक जीनस है जेमिया, और स्पीसीज पिगमिया, यानी कि जेमिया पिगमिया,
ये सबसे छोटा अभी तक का मिला अनावृत पौधा है। तो आपने इतना सब कुछ तो देख लिया, अब जरा हम इसके मॉर्फोलॉजी पर भी नज़र डालते हैं। देखिए, अगर मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो इसका जो प्लांट या यूकेंट्री होता है वो कम्प्लीटली बीजाणुद्भिद यानी कि स्पोरोफिटिक होता है, यानी कि 2N। इसका पौधा जड़, तना और पत्तियों तीनों में बटा हुआ होगा और इसमें कंप्लीट, ध्यान सुनेगा, पूर्णतया विकसित टैप रूट पाया जाएगा। वैसे इनकी जड़ों में एक खास बात होती है, जैसे आपको साइकस में जरूर देखने को मिलेगा, और वो स्पेशलिटी है इनकी कोरलाइड रूट्स की। ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना है कि कुछ जड़ें ब्लू ग्रीन एल्गीज के साथ सिम्बियोटिकली रिलेशनशिप डेवलप कर लेती हैं और उन्हें ही हम कोरलाइड रूट्स कहेंगे। जो नहीं करेंगे वे नॉर्मल और जो कर लेंगे वे कोरलाइड्स। और नॉर्मल हो तो आ गए। देखो, मैं तो ये मान सकता कि तुम सबको जिम्नोस्पर्म पता है, पर अगर किसी को ब्रायोटेरिडो फंगी एल्गी कुछ भी ऐसा नहीं पता हो तो चैनल पे जाके देख लेना, तुम्हें हर चीज के वीडियो मिल जाएंगे। आपका प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स, देखिए इनके पास जो पत्तियां होती हैं ना वो स्थायी होती हैं, वे जल्दी झड़ती नहीं, और इनमें स्केल्स और फॉलिएज इन टाइप की पत्तियां भी पाई जाती हैं। इनकी पत्तियां या तो साइक्लिक या अल्टरनेट ऐसे पाई जाएंगी। और अगर बात हम इनके वैस्कुलर बंडल की करें तो इसके जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे। पर हाँ, एक ऐसा ऑर्डर है जिसका नाम है नीटेल्स। इसके जितने भी मेंबर्स होंगे ना उनमें वेसल्स पाए जाएंगे, कहाँ, जाइलम में। देखिए, जो जिम्नोस्पर्म होंगे इनकी लकड़ियाँ मोस्टली दो टाइप की पाई जाएंगी, मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। चूँकि आप ये तो जानते हैं कि कैम्बियम की वजह से ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है, क्या नहीं जानते, नो प्रॉब्लम, कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो उस पर आ जाएगा, और कमेंट जरूर कीजिए प्लीज़। देखिए, जो मोनोजाइलिक होंगे ना उनमें कैम्बियम की कई सारी रिंग्स पाई जाएंगी, जिसके कारण बस ये समझ लीजिए प्रोसेस कमज़ोर होंगे, और इसीलिए इनका यूज़ फर्नीचर्स इन सब में नहीं किया जाएगा। पर जो पिक्नोजाइलिक होंगे उन्हें मोस्टली एक ही कैम्बियम की लेयर पाई जाती है, जिससे इनका यूज़ फर्नीचर्स में ज़रूर किया जाएगा। चलिए, अब लगे हाथ हम इनकी पत्तियों को देख लेते हैं। इसकी जो पत्तियाँ हैं उसके जो मेसोफिल्स होते हैं ना वो पैलिसेड्स और स्पॉन्जी मेसोफिल या यू कहें स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में ज़रूर बटी हुई होंगी, मोस्टली साइकस में। पर कुछ ऐसे हैं जैसे कि पाइनस, सिड्रस, इन सब के जो मेसोफिल्स हैं वो डिवाइड नहीं होते। इसका जो वैस्कुलर बंडल होता है वो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन टाइप का होता है। मतलब अगर आपको यह वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। या फिर अगर कोई सुझाव हो या शिकायत, या आपको इस वीडियो में क्या समझ नहीं आया, या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आपका रह गया है जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में, ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। हाँ, जाने से पहले एक बात, कमेंट जरूर किया करिए अब वीडियो को लाइक, और इसके साथ ही साथ अगर आपको लगे कि ये किसी को दिखाने लायक है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।